आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल का पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्यारा सा एक पत्र। बच्चों, इस पाठ में आपको ग्रामीण जीवन यानी गांव के जीवन से परिचित कराया गया है कि गांव के लोग कैसे होते हैं, उनका पहनावा कैसा है, उनके रहन सहन के तरीके क्या हैं, वे क्या काम करते हैं, यह सब आपको इस पाठ में बताया गया है। पाठ में मनप्रीत कौर नाम की एक लड़की है, वो अपनी सहेली आस्था को पत्र लिख रही है। आस्था ने भी मनप्रीत को पहले पत्र लिखा है। दोनों अपने अनुभव एक दूसरे से साझा कर रही हैं। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। 47/2 अंसारी रोड। अरे, ये तो किसी का एड्रेस लग रहा है। लग रहा है ना, किसी ने अपना पता लिखा है। हाँ, मनप्रीत अपनी सहेली आस्था को पत्र लिख रही है। और जब हम किसी को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले अपना पता लिखते हैं। तो मनप्रीत ने यहाँ सबसे पहले अपना पता लिखा है। चलिए पढ़ती हूँ। 47/2 अंसारी रोड, नई दिल्ली, 25 जुलाई 2000। प्यारी आस्था, नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। शब्दार्थ पढ़ेंगे, पत्र चिट्ठी, खुशी प्रसन्नता, अनुभव एहसास तजुर्बा। चल अर्थ पढ़ेंगे इसका। तो मनप्रीत ने पहले अपना पता लिखा है। क्या है उसका पता? 47/2 अंसारी रोड, नई दिल्ली। और उसने ये पत्र 25 जुलाई को लिखा है। ईयर, साल कौन सा है, वो यहाँ नहीं दिया गया है। तो मनप्रीत किसे पत्र लिख रही है? आस्था को। तो उसने क्या लिखा है कि आस्था, मुझे तुम्हारा पत्र मिल गया है, जिसे पढ़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। तुमने आगरा में जो ताजमहल के बारे में जो लिखा है, अपने अनुभव मुझे बताए हैं, वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो पढ़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मेरा मन भी अब ताजमहल देखने को कर रहा है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। मालूम है ना, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। याद आया ना, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ। याद आया ना कुछ? हाँ, चलिए आगे पढ़ेंगे। यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। उनके गांव का नाम चंदनपुर है। मेरे नाना जी वहां के जमींदार हैं। वहां पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। शब्दार्थ पढ़ेंगे, छुट्टी अवकाश, जमींदार, जमींदार यानी जमीन का मालिक। जमींदार शब्द सुना होगा बच्चों आपने? नहीं सुना? जमींदार मतलब इनके पास ना बहुत सारी ज़मीन होती है, और ये क्या करते हैं, अपनी ज़मीन पर लोगों को खेती करने के लिए देते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? अनाज। जैसे मान लो 10 किलो अनाज हुआ तो 5 किलो उन्हें मिलेगा, और 5 किलो जो खेती कर रहा है, तो इस तरीके से
दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होता है और ज़मींदार को भी फ़ायदा होता है, इनके पास बहुत ज़मीन होती है। चलिए अर्थ समझेंगे। तो वो क्या बता रही है मनप्रीत कि ये पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मियों के छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है, यानी वो गर्मियों की छुट्टी में जहाँ घूमने गई है वहाँ के अनुभव आस्था को बता रही है। वो कह रही है कि इस बार वह अपने मम्मी पापा के साथ नानी नाना के घर गई है, जिनका घर कहाँ है, शहर से दूर एक गांव में है और उनके गांव का नाम है चंदनपुर। बच्चों आप लोगों ने गांव देखा है? सब ने देखा होगा, सब लोग कहीं ना कहीं गांव से ज़रूर जुड़े हुए हैं, है ना। किसी के दादा दादी गांव में रहते हैं, किसी के नाना नानी, तो कोई ना कोई तो रहता ही है और कभी ना कभी आप गांव ज़रूर घूमने गए होंगे, गए हैं ना। बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही वो भी अपनी नानी के घर घूमने गई है जो कि गांव में है। गांव का नाम क्या है? चंदनपुर। और उसके नाना जी वहाँ पर ज़मींदार हैं। वहाँ पर जो सड़कें हैं वो पक्की नहीं हैं, यानी वहाँ की सड़कें कैसी हैं? कच्ची। पक्की सड़कें यानी जो सीमेंट, गिट्टी, रेत इनसे बनी होती है, और कच्ची सड़कें मिट्टी से बनी हुई होती हैं। इसका मतलब वहाँ चारों ओर धूल मिट्टी फैली रहती है, खेत होते हैं, खेतों में भी तो मिट्टी होती है ना, और लोग वहाँ कुएं से पानी भरने जाते हैं। इसका मतलब वहाँ नल नहीं है। आगे पढ़ेंगे। आस्था, सबसे आश्चर्य भरी बात यह है कि वहाँ के लोग बैड टी नहीं लेते, बल्कि सुबह गरम गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सादा जीवन बिताते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। स्त्रियाँ घर का काम करती हैं। शब्दार्थ पढ़ेंगे। आश्चर्य, हैरानी, परिश्रमी, मेहनती। स्त्रियाँ, महिलाएं, इसका भी अर्थ समझेंगे। अब आगे वो कह रही है आस्था से कि आस्था यहाँ पर एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ मैंने देखी। क्या चीज़ उसने देखी? कि यहाँ के लोग बैड टी नहीं लेते। बैड टी मतलब सुबह उठकर सबसे पहले चाय पी लेना, ऐसा यहाँ के लोग नहीं करते। चाय को स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं माना गया, हानिकारक माना गया है ना। इसलिए गांव के लोग क्या है ना, बैड टी नहीं लेते। क्या करते हैं बल्कि सुबह सुबह गरम गरम दूध पीते हैं, नहा धोकर पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बहुत ही सादा जीवन बिताते हैं। बहुत मेहनती भी होते हैं। स्त्रियां घर का काम करती हैं, यानी सारा काम स्त्रियों के जिम्मे होता है। वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता। जैसे शहरों में मेड लगा लेते हैं ना, ऐसे वहाँ कोई भी मेड नहीं मिलती, खुद ही काम करना पड़ता है। ये पढ़ेंगे। सभी पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, स्टापू, रस्सी कूदना, खो खो, पोषम पा भई पोषम पा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा व पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं। शब्दार्थ पढ़ेंगे। सवेरे, सुबह, इत्यादि, इसी प्रकार और भी। अर्थ समझेंगे इसका। तो अब क्या कहा जा रहा है कि पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। मुख्यतः लोग खेतों में ही काम करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, तो बहुत सुबह खेत पर जाते हैं, कठिन मेहनत करते हैं। खेतों में बहुत कठिन काम करना पड़ता है सभी पुरुषों को। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे तरह तरह के खेल खेलते हैं, जैसे कि पकड़म पकड़ाई, एक दूसरे को पकड़ना, स्टापू, रस्सी कूदना, खो खो, पोसंपा भाई पोसंपा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा और पतंगबाजी, और इसी प्रकार के और भी अनेक खेल खेलते हैं। इन खेलों के नाम सुने हैं ना बच्चों, आपने खेला है इन खेलों को कभी? मैंने तो खेला है। पतंग उड़ाई है आपने? उड़ाते हैं ना,
हाँ, तो इन खेलों को खेलने में भी बड़ा मजा आता है। अगर नहीं खेले हैं ये खेल तो एक बार जरूर खेलिए, आपको बहुत मजा आएगा। आगे पढ़ेंगे, गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। शब्दार्थ पढ़ेंगे, पहनावा विशेष प्रकार के कपड़े, खूब बहुत ज्यादा। अर्थ समझेंगे इसका, गांव के लोगों का पहनावा यानी जो वो कपड़े पहनते हैं वो भी थोड़े अलग होते हैं। यहाँ की महिलाएं मुख्य रूप से साड़ी पहनती हैं या फिर लहंगा चुनरी पहनती हैं, और पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और पगड़ी, पगड़ी कहाँ, सिर पर बांधी जाती है, पहनते हैं। और सभी लोग आपस में मिलजुल कर बड़े ही प्रेम के साथ रहते हैं। शाम के पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना कि गांव के लोग बहुत मेहनत करते हैं, खेत में उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो जब वो खेत से वापस आते हैं तो फिर क्या करते हैं, थोड़े समय बाद पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं। वहाँ गांव के अन्य लोग भी आते हैं और सब मिलकर हैं कि उन्होंने दिन भर क्या काम किया, कौन सा काम अच्छा हुआ, कौन सा काम बिगड़ गया, ये सब बातें वहाँ वो लोग वो लोग टेलीफोन पर ज़्यादा बातें नहीं करते, क्योंकि गांव में अभी भी टेलीफोन सब जगह उपलब्ध नहीं है, और है भी तो वो लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। वे लोग आपस में आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं, यानी टेलीफोन पर ज़्यादा बातें करना उनको पसंद नहीं होता। तो लोग कैसे बातें करते हैं, आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं, आनंद उठाते हैं एक दूसरे की बात का, एक दूसरे की समस्या सुनते हैं, उनका हल निकालते हैं। समझे, तो ग्रामीण जीवन कैसा लगा, जितना आपने अभी पाठ पढ़ा उसके अनुसार अच्छा लगा ना। वे लोग साथ जीवन बिताते हैं और बड़े ही आनंद पूर्वक रहते हैं। तो बच्चों, हम ये पाठ आज यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आगे का पाठ हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। तो आपको याद है आपको क्या करना है, कठिन शब्दों का लिखकर अभ्यास करना है और पाठ को 2-3 बार पढ़ना है। कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी, प्रश्न भी खुद बनाएं और उत्तर भी स्वयं लिखें। लिख सकते हैं ना आप, तो सब कुछ कर सकते हैं, तो ज़रूर ये काम कीजिए, ठीक है।